इधर से आकर तुरंत हो रहा है, इधर देखेंगे, सामने देखेंगे, इधर रेडी, सामने देखेंगे। गांव के अंदर गांव की सरकार बने, पंचायत की सरकार बने, उस काम को
हम सब लोगों ने पूरा किया है और पंचायत के चुनाव इस राज्य के अंदर लगातार हो रहे हैं और पंचायतों में जब सरकार बनती है तो वहां जो स्थानीय लोग होते हैं उनके मन से सरकार वो चलती है, मतलब जिला की सरकार, मतलब जो जिला परिषद बनती है, जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह उस जिला परिषद की सरकार का मुखिया होता है, जो मुखिया बनते हैं वो पंचायत की सरकार का प्रधान होता है और हमारी सरकार तो अब पंचायतों में पंचायत भवन बनाने का काम कर रही है, बजाबता एक सचिवालय जैसा उस पंचायत भवन के अंदर उनको सहयोगी देने का काम, ताकि पंचायत की सरकार उस मुखिया के नेतृत्व में बेहतर तरीके से काम करे, पंचायत का विकास हो सके, पंचायत में बेहतर तरीके से लोगों के रहने, उनके जो जीवन शैली है, जो जीवन यापन के लिए आवश्यक मूलभूत आवश्यक सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं, वो उनके माध्यम से उन तक पहुंचाई जाए और भारत में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है प्रति पंचायत प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पंचायत के विकास के लिए देने का काम सरकार कर रही है। तो हमारा मकसद है और हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका उद्देश्य है कि ऐसे जो चुनाव होते हैं पंचायत और जिला स्तर के उन चुनावों के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो जड़ें हैं, जो नींव है उसको और मजबूत बनाया जाए और लोकतंत्र की व्यवस्थाएं जहां मजबूत बन रही हो वहां सभी समाज की भागीदारी भी बहुत आवश्यक होती है। जब यह समाज इतनी बड़ी संख्या में राज्य और देश के अंदर है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र का जब इतना बड़ा पर्व बनने जा रहा है, जब अपने राज्य के अंदर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इस समाज के लोगों को भी उसी अनुरूप इसमें भागीदारी करनी चाहिए, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम जीत के आए चुनाव, हम अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो हमको याद है रघुवर दास जी को बुला बुला के हम लोग वैसे समाज के चुने हुए जनप्रतिनिधि जो हजारों की संख्या में वार्ड सदस्य लेकर जिला परिषद के अध्यक्ष तक आते हैं उनको हम लोग सम्मानित करते रहे हैं कई साल तक। तो यह काम भारतीय जनता पार्टी भी करता रहा है और आपके डॉक्टर जगन्नाथ गुप्ता जी भी समाज को हमेशा उत्साहित प्रोत्साहित करने का काम करते रहे हैं। और आप लोगों की चिंता जगन्नाथ गुप्ता जी के बारे में है तो मेरी भी चिंता जगन्नाथ गुप्ता जी के बारे में है कि वो और बेहतर तरीके से समाज का काम करें, उनको कुछ ताकत मिले और सरकारी व्यवस्था में वो जुड़े। लेकिन आज जो सबसे बड़ा काम राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार कर रही है वो पंचायत की व्यवस्था को और मजबूत करने का काम कर रही है। पूर्व की तुलना में हम यदि देखेंगे तो भारत सरकार ने जो फाइनेंस कमीशन बना, तो जो अभी लास्ट फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट आया है उसमें भी बिहार के लिए अगले 5 वर्षों में लगभग 12,000 करोड़ रुपए की राशि की वृद्धि की। मतलब भारत की सरकार ये जानती और मानती है कि हमको अपने देश का विकास करना है तो गांव का विकास करना पड़ेगा और गांव का विकास करना है तो विकास करने के लिए ये जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हमारे होते हैं उनके माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन और योजनाओं का अनुश्रवण होगा तो काम बेहतर तरीके से हो पाएगा। इसलिए ऐसे कार्यक्रम में, ऐसे आगे होने वाले चुनाव में आप सब लोगों की बेहतर भागीदारी हो, आप सब लोग निर्वाचित होकर अधिक से अधिक संख्या में आए, ये हमारी अपेक्षा भी होगी और हमारी शुभकामना भी होगी। मैं अभी आप सब लोगों के साथ और बैठता चर्चा करता लेकिन मुझे बहुत ही आवश्यक बैठक में जाना है, जगन्नाथ जी को मालूम है, इसलिए मैं अभी आप सब लोगों के बीच से जाऊंगा लेकिन आप लोग इधर उधर नहीं होंगे। अभी जगन्नाथ जी का भी संबोधन होना है और भी हमारे प्रमुख लोगों का संबोधन होना है तो सबके संबोधन के बाद ही आप इस सभागार से निकलेंगे। लेकिन इस बात का निश्चित रूप से प्रयास आप सब लोग का होना चाहिए कि आगामी जो पंचायत का चुनाव हो रहा है उसमें आप सब लोग, चाहे वार्ड सदस्य का चुनाव हो, पंचायत समिति सदस्य का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हो, उसमें आपकी भागीदारी होनी चाहिए। और आप जिस वर्ग समाज से आते हैं उस समाज के कई कोटि को बिहार की सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग में रखने का काम किया है। वैसे समाज की 12-13 उप कोटियां हैं जिन वर्गों को अति पिछड़ा वर्ग के अंदर रखा गया है
और ये जो पंचायत का चुनाव होता है, इस पंचायत के चुनाव में उस अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की सुविधा दी गई, और यदि वो आरक्षण की सुविधा न होती तो शायद उस अति पिछड़ा वर्ग के कई प्रतिनिधि निर्वाचित होकर नहीं आते। तो आपकी जो मंशा है, आपका जो सोच है कि हमारी भागीदारी बढ़े, तो आपकी भागीदारी बढ़े, इसीलिए बिहार की सरकार ने इस निर्वाचन की प्रक्रिया और निर्वाचन की व्यवस्था में उस समाज को आरक्षण देने का काम किया है, ताकि आपके समाज के लोग निर्वाचित हो क्या है और आते भी हैं। यदि वो व्यवस्था न रहती तो शायद वो संख्या नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए सरकार हर तरीके से समाज के सभी वर्गों का बेहतर नेतृत्व उभर के सामने आए और बेहतर भागीदारी समाज के सभी वर्गों का लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उसकी चिंता हम सब लोग करते हैं। मुझे विश्वास है कि मई के महीने में जब पंचायत का चुनाव होगा तो डॉक्टर मेघनाथ प्रसाद गुप्ता जी और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक महासम्मेलन है, उसके प्रयास से एक बड़ी संख्या में अच्छे जनप्रतिनिधि जो गांव और क्षेत्र के विकास में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, बेहतर सहभागिता निभा पाएंगे, वैसे लोग निर्वाचित होकर आएंगे। यह शुभकामना देता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की।